हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है। और दोस्तों, जो आज हम इकट्ठा हुए हैं जीएसटी में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मच अवेटेड टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, फाइनली जीएसटी पोर्टल पर फॉर्म 9C जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, ऑडिट रिपोर्ट है, उसकी फंक्शनैलिटी रिलीज हो गई। अब हमें फॉर्म तो पता है कि फॉर्म क्या है, उसमें क्या बेसिक्स है। हालांकि हम और फर्दर वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे ताकि लीगल इश्यूज को फॉर्म 9C के डिस्कस कर सके। अभी जीएसटीएन ने एक ऑफलाइन यूटिलिटी के ऊपर एक FAQ रिलीज किया रिसेंटली। उस FAQ को मुझे लगा आज आपसे जो है फंक्शनैलिटी के बारे में मैं बात करूं कि इस 9C को भरना कैसे है पोर्टल पे, क्योंकि अब लॉ तो हमें क्लियर है काफी हद तक और हम डिस्कस भी करते रहेंगे, लेकिन अब उस लॉ को एग्जीक्यूट जो फंक्शनैलिटी के रूट से करना है पोर्टल पे, उसको भी समझना जरूरी है। तो कुछ बेसिक सवाल है उन्होंने, कुछ सवाल है मैंने जो रेलेवेंट सवाल है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पहला सवाल उन्होंने कहा कि फॉर्म 9C क्या है। हम जानते हैं कि एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है जिसमें कि आपको अपना सारी इंफॉर्मेशन देनी है, टर्नओवर की, ITC की सारी इंफॉर्मेशन देनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफाई होगा और 9 GSTR 9 के साथ आपने फाइल करना है। आपकी टर्नओवर अगर 2 करोड़ से एक्सीड करती है तो आपने फाइल करना है ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर, अभी हम प्रेजेंटली बात कर रहे हैं 2017-18 की। अगला सवाल पूछा है कि किस किस को फाइल करना है। सभी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को फाइल करना है जिनकी टर्नओवर, रजिस्टर्ड पर्संस की टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है। इवन SEZ यूनिट और डेवलपर को भी फाइल करना है, एक्सेप्ट अभी 1 फरवरी 2019 से अमेंडमेंट एक्ट 2018 एप्लीकेबल हुआ, जिसमें उन्होंने लिख दिया सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 में एक प्रोविजो की जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज हैं, उनका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से ऑडिट होता है, तो उनको सेक्शन 35(5) में ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बाकी सबको फाइल करना है और ऑडिट जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे, ये हम सब जानते हैं। अब इसमें डिटेल्स कौन सी फाइल करनी है, अगला सवाल ये आता है। तो आप जो इस FAQ में जवाब दिया गया है वो ये है कि जो ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और जो फॉर्म GSTR 9 आपने फाइल किया है 9 एनुअल रिटर्न का, उसके बीच में रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में आपकी डिटेल्स आपने फाइल करनी है। क्या 9C एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले फाइल अलाउड होगा? आपको बिल्कुल नहीं होगा। जब तक आप 9 फाइल नहीं करेंगे तब तक आपको 9C फाइल करना अलाउड नहीं होगा। पहले 9 देन 9C। उसके बाद 9C फाइल करने की प्री कंडीशंस क्या है, अगला सवाल ये आता है। उसमें आपको, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, वैलिड GSTIN हो, वैलिड क्रेडेंशियल्स हो, 9 GSTR 9 फाइल कर दिया हो, 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास हो, ये सब प्री कंडीशंस हैं आपको GSTR 9C फाइल करने की। उसके बाद इसकी ड्यू डेट क्या है, फाइनेंशियल ईयर 17-18 की स्पेसिफिकली ड्यू डेट जो है वो है 30 जून 2019, हम सब जानते हैं। फॉर्म 9 पहले होगा, फॉर्म 9C उसके बाद होगा। क्या सिस्टम जो है, अगला सवाल ये आता है कि सिस्टम जो है वो क्या आपको इनेबल क्या करेगा। तो ऑफलाइन यूटिलिटी आपके पास है, ऑफलाइन यूटिलिटी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड्स में जाइए। इसके लिए इनफैक्ट आपको कोई भी लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है, आप डाउनलोड्स में जाइए, वहां पर ऑफलाइन टूल्स में जाइए, GSTR 9C के ऑफलाइन टूल को देखिए, एक्सेल फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, उसी में डाटा फीड कर सकते हैं आप। और उसके बाद अगला सवाल ये आता है कि क्या मुझे लॉगिन पोर्टल पर जाना है। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा कि ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए आपको लॉगिन पोर्टल पर नहीं जाना है। इसके बाद अगला सवाल ये आता है कि जो मुझे GSTR 9C की ऑफलाइन यूटिलिटी से मैं क्या करूंगा। ऑफलाइन यूटिलिटी से एक JSON फाइल जनरेट होगी, उस JSON फाइल को जो है बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट जनरेट करेगा। उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें क्या करेगा कि अपने DSC लगाकर उसको वैलिडेट करेगा और फिर उसको रजिस्टर्ड पर्सन को दे देगा। इस सब को करने के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो है विंडोज 7 से ऊपर और MS Excel 7 से ऊपर की कॉन्फ़िगरेशन आपको होनी चाहिए। क्या ये ऑफलाइन यूटिलिटी जो 9C की है क्या मोबाइल पर चल सकती है? नहीं, अभी नहीं चल सकती है मोबाइल पर। और उसके बाद आपको 9C में डाउनलोडेबल सिस्टम जनरेटेड समरी बेस्ड ऑन 9 क्या क्या मिलेगा, सिस्टम जनरेटेड समरी बेस्ड ऑन 9 क्या क्या मिलेगा आपको, आपकी जो भी टर्नओवर आपने डिक्लेयर की होगी, जो टैक्सेबल टर्नओवर डिक्लेयर की होगी, जो टैक्स पे किए होंगे, जो ITC क्लेम किया होगा, वो सारा आपको सिस्टम जनरेटेड मिल जाएगा। उसके बाद जो JSON फाइल चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर जनरेट करेगा
उसमें वो अपने डीएससी लगाएगा, वेरीफाई करेगा और उसको रजिस्टर्ड पर्सन को दे देगा, और ये जो जो जेएसएन फाइल, वेरीफाइड जेएसएन फाइल है, ये रजिस्टर्ड पर्सन अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से उसको 9C में अपलोड करेगा। इस जो जेएसएन फाइल जो ऑडिटर ने उस रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, इसमें वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। और उसके बाद अगला सवाल ये पूछा गया है कि जेएसएन फाइल और बाकी जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस वगैरह, इनकम एक्सपेंडिचर लगाने हैं। हर यहाँ पर टोटल 4 सेक्शन दिए गए हैं। बैलेंस शीट का एक सेक्शन है, प्रॉफिट लॉस, इनकम एक्सपेंडिचर, एनी अदर डॉक्यूमेंट 1, एनी अदर डॉक्यूमेंट 2 में 4 सेगमेंट्स है जहां पर आप अटैचमेंट लगा सकते हैं। हर सेक्शन की जो लिमिट है, साइज लिमिट है, वो 5 MB ही है। इससे ज्यादा की फाइल आप नहीं लगा सकते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया जी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव, कि अगर ऑडिटर रिकमेंडेशन में ऑडिटर ने एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बनाई है तो रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा। रजिस्टर्ड पर्सन वहीं पर जीएसटीआर 9C में लिंक्ड है, DRC 03, वहां से जाएगा, एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पे करेगा, वापस 9C पर आएगा। अगला सवाल ये आता है कि क्या अगर कोई एरर आता है जेएसएन फाइल में, तो एरर फाइल डाउनलोड होगी, ऑडिटर को दिखाई जाएगी, ऑडिटर उसमें से एरर रिमूव करेगा, दोबारा से जेएसएन फाइल बनाएगा, डीएससी लगाएगा और रजिस्टर्ड पर्सन को दे देगा। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी जेएसएन फाइल जनरेटेड बाय ऑडिटर उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। अगला सवाल ये पूछा गया इस एफएक्यू में कि क्या जो जीएसटीआर 9C है, एक बार फाइल होने के बाद रिवाइज हो सकता है। दोस्तों, नहीं हो सकता। सिमिलर इज विद जीएसटीआर 9 ऑल्सो, एक बार फाइल होने के बाद 9 भी रिवाइज नहीं हो सकती, 9C भी रिवाइज नहीं हो सकती। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि एफएक्यू में लिखा है, उन्होंने कहा कि ध्यान रखिएगा कि जो सिस्टम है वो ऑटो वेरीफाई नहीं कर रहा कि आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है कि नहीं है। आपको ध्यान देना है कि अगर आपने 9 फाइल किया है तो 9C आपने फाइल करना है या नहीं करना है। हम लोग कई बार ये सोच सकते हैं कि भी 9 में मैंने 2 करोड़ से मेरी टर्नओवर ज्यादा है तो सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करेगा, ऑटो वेरीफाई करेगा कि मुझे 9C भी फाइल करना है। ऐसा सिस्टम अभी नहीं कर रहा है, FAQ ऐसा कह रहे हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 9C आपने स्पेसिफिकली 9 फाइल करने के बाद आपने फाइल करना है। और कोई भी अगर आप DRC 03 इवन फाइल कर दिया, आपने टैक्स पे कर दिया, उसके बाद भी आप चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार फाइल होने के बाद रिवाइज नहीं कर सकते। जो भी डाटा आप अपलोड करेंगे वो सारा डाउनलोडेबल है। इवन JSL फाइल में जो डाटा आया है वो एक्सेल फाइल में आपका कन्वर्ट हो सकता है। जो भी 9C में रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अपलोड हुई है वो सारी एक्सेल में भी कन्वर्ट हो सकती है। दोस्तों, मुझे लगा कि आज हमें सिस्टम रिलेटेड और फंक्शनैलिटी रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं फर्दर अपने चैनल पर 9C की टेक्निकल इश्यूज को, लीगल इश्यूज को, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कहां से डिराइव होनी है, कहां से वो पॉपुलेट होनी है, वो भी बात करते रहेंगे हम। थैंक यू वेरी मच हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। Thank you, friends.